अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर टू जो है सेक्शन बी जो है मैट्रिक फिजिक्स पेपर फेडरल बोर्ड 2018 क्लास 10th का जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है वो हमने ये जो क्लास 10th फेडरल बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है 2018 का, इसका सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था उसे हमने बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। अब सेक्शन बी जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, 15 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपने 12-11 जो है कोई भी वो अटेम्प्ट करने होते हैं। कोशिश किया करें, वही अटेम्प्ट किया करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और 3 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के। चलें हम इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है सेशन बी, क्वेश्चन नंबर टू को पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 3 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना, और हमने बहुत डिटेल में इन्हें जो है वो डिस्कस भी किया था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो क्या होती हैं। अब हमसे उसने क्या पूछा है कि तीन तीन जो है प्रॉपर्टीज जो है वो हमने बतानी है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की, लेकिन कोई सी तीन बतानी है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टीज, वो कॉमन से मुराद ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी प्रॉपर्टीज हो तीनों मौजूद हों, और वो ट्रांसवर्स वेव्स में भी तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद हों। तो चलें, क्या सवाल है, समझ आ गया ना कि हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की कंबाइन कोई ऐसी तीन प्रॉपर्टीज बतानी है, या आसान करते हैं बात को, हमने तीन ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी मौजूद हों और ट्रांसवर्स वेव्स में भी जो है वो मौजूद हों। तो इसका आंसर है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स आर, नंबर 1, दोनों जो है मैकेनिकल वेव्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो मैकेनिकल होती हैं। दूसरी है बोथ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ये तो हमें पता है कि जो वेव्स जो है प्रोपोगेट करती हैं तो वो एनर्जी जो है वो लेके जाती हैं अपने साथ, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, तो ये भी बहुत अहम बात है। इन बोथ द वेव्स, क्या मतलब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, दोनों में पार्टिकल जो है ओसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, ये भी एक कॉमन बात है दोनों में। इसके अलावा जो है दोनों इक्वेशन जो है वो वी इक्वल टू एफ लेमडा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप कोई सी तीन लिख लें, तो लेकिन ये है कि आप एक एक्स्ट्रा लिख दें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वो प्रॉपर्टीज लिखनी है जो इन दोनों में मौजूद है। अगर वो कहता कि इन दोनों में डिफरेंसेस बताएं, फिर डिफरेंस ये हो सकते थे आप बताएं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन करें, साथ लाइन लगा के आप ट्रांसवर्स वेव्स को डिफाइन करें, यहाँ आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल दें, यहाँ आप ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल दें, यहाँ आप और कोई डिफरेंसेस जो है वो इनमें बताएं, तो ये आपके डिफरेंसेस हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की नोयत जो है, नेचर जो है, वो कुछ इस तरह है कि हमने डिफरेंसेस नहीं बताने, हमने कोई तीन ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें बतानी है जो ट्रांसवर्स वेव्स में भी मौजूद हो और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी मौजूद हो, दोनों की खसूसियात हो, दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टीज हो, जो कॉमन हो दोनों में। तो वो हमने बता दी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव जो है ये दोनों मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दोनों जो है वो एनर्जी कैरी करती हैं, और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों में जो है पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जो है ऑसिलेट करते हैं, और ये दोनों वेव्स जो है वी इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। तो इस तरह जो है ये हम जो है वो क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर लिया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम टू की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इज 100 सेकेंड देन फाइंड। हमें क्या गिवन है, हमें एक तो गिवन है
अगर 20 वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, 20 वाइब्रेशंस हैं, उनके लिए जो टाइम है वो 100 सेकेंड है, ये गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, सेकेंड हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। 1.5 मार्क्स जो है टाइम पीरियड फाइंड करने के, 1.5 मार्क्स जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले आप जो न्यूमेरिकल्स हों उनमें आप गिवन डाटा जो है वो लिखा करें, फिर जो चीजें फाइंड करनी है वो लिख के फिर आप अपना जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व किया करें फार्मूलाज वगैरह यूज करके। तो गिवन डाटा क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है एन जो है वो 20 है, वो हमने लिख दिया है। टाइम जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 100 सेकेंड, टी जो है वो लिख दिया। टाइम पीरियड टी कैपिटल फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ वो फाइंड करना है। तो अब हम फार्मूलाज यूज करते हैं। हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये और कुछ भी नहीं होता बल्कि ये होता है कितना टाइम है जिसमें वाइब्रेशन हो रही हैं, मतलब टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई कितनी वाइब्रेशन जो हो रही हैं वो। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम ऑफ वाइब्रेशन टी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एन है, टाइम ऑफ वाइब्रेशन टी जो है वो 100 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन एन जो है वो 20 है। तो 100 बाई 20 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो 5 जो है जवाब आ जाएगा, और 5 ही जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये देखें क्या किया इसमें हमें जो है ये बताया कि अगर 100 सेकेंड में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं तो आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। हमारे पास जो है हमने पहले गिवन डाटा जो है वो लिख लिया कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एन है और वो 20 के बराबर है, और टाइम जो है वाइब्रेशंस का जिसमें ये 20 वाइब्रेशंस हो रही हैं वो स्मॉल टी है और वो 100 सेकंड के बराबर है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम पीरियड टी कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूलाज गिवन है, हमने फार्मूला यूज किया कि टाइम पीरियड जो है ये और कुछ नहीं बल्कि टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो लिखें। ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, टी बाई एन, इनकी वैल्यूज हमने पुट की, 100 बाई 20 को हमने कैलकुलेटर से सोल्व किया, हमारे पास जवाब जो है वो 5 सेकेंड आ गया। जब टाइम हमारे पास आ गया तो हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो है रिलेशन पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 आवर टाइम होती है, और हमने फ्रीक्वेंसी ही सेकंड पार्ट में फाइंड करनी है। तो हम सिंपल एफ इक्वल टू 1 बाई टी कर लेंगे, टी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 1/5 जब हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो 0.2 हर्ट्ज जो है वो आ जाएगा, और यही हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो हमने टाइम भी फाइंड कर लिया वो हमारे पास 5 सेकेंड आया, और हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली वो हमारे पास 0.2 हर्ट्ज आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बताया जाए कि इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं और इतने टाइम में हो रही हैं, और अगर आपसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप करेंगे कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है हमारे पास टाइम ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दोनों नौ चीजें हों तो आप इनकी वैल्यू पुट करके आप टाइम पीरियड निकालेंगे जिसकी यूनिट सेकेंड होगी, और जब टाइम पीरियड आपके पास आ जाए तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/T करके आप बड़ी आसानी से फ्रीक्वेंसी जो है निकाल सकते हैं जो कि हर्ट्ज में आएगी आपके पास। तो ये हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 2, अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। सही डिटेल में एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कि रेडियो वेव्स कैसे जो है ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखें जहां एक्सप्लेन लिखा होता है ना ब्रीफली, ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा आपने डिटेल लिखनी है। अब ये नहीं है लेकिन कि आप सफे के सफे लिख दें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो इसमें आपने 4 से 5 लाइनों में अपना जो जवाब जो है वो कंप्लीट करना होता है। इससे ज्यादा जो है आपने जो है अपने आंसर को नहीं लेके जाना। लेकिन ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके 2021 के स्मार्ट सिलेबस में जो है एक्सक्लूडेड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपने बताना है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी? रिवर्बरेशन, ए बी एक्यूटिक्स, एक्यूस्टिक्स। ठीक है, रिवर्बरेशन और एक्यूस्टिक्स को हमने जो है डिफाइन करना है। ये भी जो है एक्सक्लूड है 2021 के स्मार्ट सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन थ्री के रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन कैसे होती है, और ये दो टर्म्स की डेफिनेशन रिवर्बरेशन और एक्यूटिक्स, इनकी जो जो है इन दोनों क्वेश्चंस को हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आपने जो है वो शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द साउंड इंटेंसिटी इफ द साउंड लेवल इज 80 dB। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमें साउंड लेवल जो है वो दे दिया उसने, कितने साउंड लेवल जो है वो 80 dB है। कहता है अगर साउंड लेवल 80 dB है तो आप साउंड की इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखें साउंड लेवल जो है वो होता है बेसिकली एल माइनस एल नॉट। मैथमेटिकली साउंड लेवल क्या होता है, एल माइनस एल नॉट। और ये गिवन है, ये किसके बराबर है, ये 80 dB के बराबर है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने साउंड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो फाइंड करनी है, उसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता है, ये हमने फाइंड करनी है। और ये एक नाउन कांस्टेंट वैल्यू है जो आपने याद रखनी है, कि जो इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट एडेबल साउंड जो है आई नॉट जो है वो हमारे पास 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास साउंड लेवल अगर 80 dB है, डेसिबल है, तो साउंड की इंटेंसिटी जो है वो आप फाइंड करें। हमने पहले नोन जो डाटा है, गिवन डाटा जो है वो लिख लिया कि साउंड लेवल क्या होता है, ये और कुछ नहीं बल्कि एल माइनस एल नॉट होता है, और ये 80 dB है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई हमने फाइंड करनी है। एक हमारे पास नोन चीज होती है कॉन्स्टेंट, जो हमने याद रखनी है हर टाइम इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट एडिबल साउंड जो है आई नॉट जो है वो 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हमने जो है फार्मूला एक हमारे पास गिवन है, वो हमने यूज कर लेना, और वो फार्मूला है कि एल माइनस एल नॉट इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट। आई इंटेंसिटी है और आई नॉट ये वो फेंटेस्ट एडिबल साउंड की इंटेंसिटी है। तो ये फार्मूला जो है ये भी आपने जो है वो याद करना है, कि जो साउंड लेवल है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड और एडिबल फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड के साथ कैसे रिलेशन रिलेटेड है। तो एल माइनस एल नॉट इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, ये फार्मूला। एल माइनस एल नॉट और कुछ नहीं, साउंड लेवल है, इसकी वैल्यू 80 dB गिवन है। यहाँ पे आप वो पुट करेंगे 10 ऐसे ही लॉग आई की, तो हमने फाइंड करना है, और आई नॉट ये इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट एडिबल साउंड है, इसकी वैल्यू भी 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ये आप यहाँ पे पुट कर दें। और आगे तो बस हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सिंपल करना है। तो चलें, यहां तक हम आ गए। हमारे पास फार्मूला गिवन है एल माइनस एल नॉट इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई बाई आई नॉट, एल माइनस एल नॉट और कुछ नहीं, हमारे पास क्या है, साउंड लेवल है, इसकी वैल्यू पुट कर दी 10 ऐसे ही लॉग आई जो हमने फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई नॉट ये इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, इसकी वैल्यू 10^-12 गिवन है, ये पुट कर दी। तो ये ऐसे ही, और यहाँ पे ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये लॉग और ये आई। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज है कि जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो उसका हमने प्रॉपर्टी का एडवांटेज उठा लिया, लॉग ऑफ आई ये डिवाइड में थी तो ऊपर आके माइनस होगा, माइनस लॉग ऑफ 10^-12
ठीक है, ये डिवाइड किया तो 8 बच गया, लॉग ऑफ, ये लॉग जो है, अब देखें हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ आई माइनस, अब देखें ये -12 स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग ऑफ 10 हम ले लेंगे, और लॉग ऑफ 10 जो है और कुछ नहीं, ये 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ 1 है नहीं लिखा। ठीक है, 8 लॉग ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 आ गया, और 8 ये 12 इधर प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 12 इक्वल टू लॉग ऑफ आई, 8 माइनस 12 माइनस 4 लॉग ऑफ आई। अब क्या है, हमने आई फाइंड करना है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है लेकिन इसके साथ लॉग है, तो इसका मतलब है हमें दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ये एंटी लॉग लॉग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग माइनस 4 इक्वल टू एंटी लॉग लॉग ऑफ आई, ये लॉग एंटी लॉग से खत्म, पीछे आई बच गया, एंटी लॉग माइनस 4 का आपने लेना है, तो ये और कुछ नहीं, आप कैलकुलेटर से भी अपने चेक कर सकते हैं या आपके पास टेबल्स भी होते हैं, ये 10^-4 जो है वो होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास क्या आ गया, 10^-4, इसकी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वेयर होती है, तो वो हमने इसकी जो है वो यहाँ पे यूनिट लिख दी। तो देखें हमने इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया था, कि हमारे पास साउंड लेवल जो है वो गिवन था और हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो फाइंड करनी थी। हमने सबसे पहले गिवन डाटा जो है वो लिखा, हमें पता है कि जो साउंड लेवल होता है ये L-L0 होता है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी थी, और जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी वो I0 हमें नाउन होती है, कि वो 10^-12 वाट पर मीटर स्क्वेयर होती है। फिर एक फार्मूला हमने यूज किया जो कि साउंड लेवल और इंटेंसिटी से रिलेटेड था, कि L-L0 इक्वल टू 10 लॉग ऑफ I/I0 होता है। हमने वैल्यूज पुट की, थोड़ा सा सिंपल किया, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज की, एंटी लॉग्स लिए, और वहां से हमारे पास आंसर आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो 10^-4 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। चलें अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कह रहा है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ जो है वो हम 4 कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक लास्ट क्वेश्चन पीछे देखा है, उसमें हमने ये कहा था कि अगर सिंपल पेंडुलम की हम मैथ को जो है वो चेंज करते हैं, तो फिर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है P इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि टाइम पीरियड तो मैथ पे डिपेंड नहीं करता पेंडुलम के, इसलिए मैथ के चेंज करने से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ बात हो रही है लेंथ की, लेंथ चेंज कर रहे हैं हम, और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ पे तो डिपेंड करता है, लिहाजा लेंथ को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो बहुत सिंपल हो गया। देखें टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब लेंथ को जो है हम क्या कर रहे हैं, ये देखें एक प्राइम इस वजह से लिखा है, और एल के ऊपर प्राइम इस वजह से क्योंकि ये वो चीजें हैं, एल को चेंज कर रहे हैं, इसलिए जो नई लेंथ सपोज है वो एल प्राइम है, और इसकी वजह से जो टाइम पीरियड आएगा वो कुछ और ही आएगा ना इस टाइम की पीरियड के मुकाबले में, इसलिए इसे टी प्राइम कह दिया। तो एल प्राइम हम कितना है कि हम 4 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ कर रहे हैं, तो एल प्राइम जो वो 4L है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, ये सारा जो है ब्रैकेट में चला जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी क्या है और कुछ भी है, ये टी है, तो टी प्राइम हमारे पास क्या आ गया, 2T आ गया। तो अगर लेंथ को हम डबल सॉरी 4 कर दे तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है वो डबल हो जाएगा। ठीक, तो क्या था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था
हमें ये कहा गया कि अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ हम 4 टाइम कर दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने फार्मूला यूज किया टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। फिर फार्मूला में हम एल को हमने 4 एल पुट किया क्योंकि 4 टाइम क्वेश्चन में कहा है चेंज करने को। तो वहां से हमने देखा कि अंडर रूट 4 टू होता है, 2 जब बाहर आता है तो अंदर ब्रैकेट में सारी चीज वही बन जाती है जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का। वहां से हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम की लेंथ 4 टाइम करने से डबल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो इस तरह अटेम्प्ट कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार वाइल यू आर इन द कार, वाई शुड यू नॉट कम आउट ऑफ द कार। कह रहा है अगर एक हाई वोल्टेज पावर लाइन जो है वो आपकी गाड़ी की तरफ आती है जब आप गाड़ी में होते हो तो आप गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आ जाते। और क्वेश्चन नंबर 8 है, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कोई भी कैपेसिटर हो सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका चार्ज जो है वो हमेशा एक जैसा ही होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है और ये हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये आपके 2021 में जो है सिलेबस का पार्ट नहीं थे इस वजह से फिलहाल इन्हें डिस्कस नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चले हम टाइम जाया किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी कोई सी 3 प्रॉपर्टीज जो है वो लिख दें। देखें पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइन होती हैं अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेल्ड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ। पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। हम पता है कोई भी चार्ज होता है उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और यहाँ पे एरोज होते हैं, एरोज ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इनकी जो एरोज होते हैं वो इसकी फोर्स की डायरेक्शन को बता रहे होते हैं और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है, द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइन शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान होती है वो बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करीब करीब होंगी एक दूसरे की तो फील्ड स्ट्रांग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे से दूर होंगी तो फील्ड जो है वो वीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम एनी 3 यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के कोई से 3 जो है फायदे जो है यूजेस जो है बताएं, इस्तेमालात बताएं। तो ये भी क्वेश्चन आपकी 2021 के सिलेबस में शामिल नहीं है इस वजह से इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम 2 फैक्टर्स विच कैन इनहांस द थर्मोआयनिक एमिशन एंड आल्सो डिफाइन द थर्मोआयनिक एमिशन। कोई ऐसे 2 फैक्टर्स बताएं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो थर्मानिक इमिशन प्रोसेस होता है इसको हम इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेकंड, आप थर्मानिक इमिशन क्या होता है इस प्रोसेस को डिफाइन कर दें। तो देखें थर्मानिक इमिशन हमारे पास क्या होता है, जब मेटल्स को हम हीट करते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस से जो है इमिट होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन प्रोसेस को सरफेस ऑफ हार्ड मेटल्स हम थर्मानिक इमिशन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक थर्मानिक इमिशन प्रोसेस को डिफाइन करना है, फिर 2 फैक्टर्स बताने हैं जिससे ये प्रोसेस जो है हम इनहांस कर सकते हैं। तो थर्मानिक इमिशन प्रोसेस को हमने डिफाइन कर लिया कि थर्मानिक इमिशन प्रोसेस जो है इसमें ये होता है कि जब हम मेटल्स को हीट करते हैं तो मेटल्स की सरफेस से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेटल सरफेस को हार्ड करने से उनकी सरफेसेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं इसे हम थर्मानिक इमिशन प्रोसेस जो है वो कहते हैं। अब कौन से 2 ऐसे फैक्टर्स हैं, एक है रेट ऑफ थर्मानिक इमिशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। एक तो यह कि जो मेटल जिसकी बात करें जहां जिसको हीट करके हम इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, सरफेस एरिया क्या है सेकेंड मेटल का। तो टेम्परेचर बढ़ा के और सरफेस एरिया जो कैथोड का है
उसे बढ़ा के हम जो थर्मायनिक एमिशन का जो रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्या बात हुई, कौन से दो फैक्टर्स ऐसे हैं? एक तो ये है कि जो हमारे पास मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, सेकंड उसका सरफेस एरिया क्या है। तो जिस मेटल की सरफेस से हम अलेक्ट जिस मेटल को हम आसान अल्फाज में जिस मेटल को हम हीट करके इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा रहे हैं, जो कि थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस कहलवा रहे हैं, अगर हम उस मेटल के टेम्परेचर और सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो हमारे पास क्या होगा, उस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो भी ज्यादा होंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास थर्मायनिक एमिशन प्रोसेस जो है वो इनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव टू एग्जांपल। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, कोई सी दो मिसालें दें। द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय बॉम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर रेडियो आइसोटोप। पहली बात तो यह है कि रेडियो आइसोटोप जो होते हैं इन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेबल स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करते, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर उनके साथ हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल जो है वो बॉम्बार्ड कराएं, क्योंकि ये हम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें हम जो है कहते हैं ये रेडियो आइसोटोप्स हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। तो इनकी एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल ये है, देखिए सोडियम एलिमेंट है, इसके साथ हम न्यूट्रॉन को बोमबार्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास सोडियम 1124 जो है वो बनता है, ये एक सोडियम का रेडियो आइसोटोप है। जबकि ये जो सोडियम 1123 था ये एक स्टेबल न्यूक्लाई था। और देखें इस रिएक्शन के नतीजे में एक गैमा रे जो है वो इमिट हो जाती है। सेकंड, अगर हम एल्यूमिनियम 1327 जो कि एक स्टेबल न्यूक्लाई है इसके साथ अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोमबार्ड कराएं, तो हमारे पास जो है फास्फोरस रेडियो आइसोटोप जो है वो बनता है और एक साथ न्यूट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स थी जिसमें हम एक स्टेबल न्यूक्लाई लेके उसके साथ न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड कर रहे थे, और एक हमारे पास एक डिफरेंट रेडियो आइसोटोप या उसी एलिमेंट का या कोई नया एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप बन रहा था, साथ हमारे पास गामा रेज और न्यूट्रॉन जो है वो इमिट हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मच ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव हाउ मच ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव मैटर वुड बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 4 हाफ लाइफ। कह रहा है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मैटर है प्योर 1 ग्राम जिसकी क्वांटिटी हमारे पास है, 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसमें से कितनी क्वांटिटी ऐसी रह जाएगी जो डिके नहीं होगी। तो ओरिजिनल अमाउंट पहले आपने बता दी सैंपल की, एन नेट कितनी है 1 ग्राम, हाफ लाइफ कितनी की हम बात कर रहे हैं 4, अमाउंट सैंपल जो रह जाएगी 4 हाफ लाइफ के बाद वो सपोज एन है, तो एक हमारे पास जो है ये हमें पता है कि अगर एन नॉट अमाउंट गिवन हो तो जब पहली हाफ लाइफ गुजरती है तो उसके बाद उस क्वांटिटी की हाफ जो क्वांटिटी है वो रह जाती है। तो अगर स्टार्ट में जो है 1 ग्राम क्वांटिटी थी, 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी क्वांटिटी अमाउंट रह जाएगी सैंपल की, वो इसका हाफ जो कि 1/2 0.5 ग्राम बनता है वो रह जाएगी। सेकंड, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.5 / 2 तो वो 0.25 ग्राम रह जाएगी। इस तरह थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो इसका हाफ हो जाएगा, और फोर्थ हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो उसका लास्ट वाली का हाफ हो जाएगा, तो 0.125/2 तो 0.0625 ग्राम जो है हमारे पास इस सैंपल की क्वांटिटी जो है वो रह जाएगी जब 4 हाफ लाइफ जो है वो गुजर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन 14 और कार्बन 12 रेशियो इन द फॉसल बोन इज बाउंड फाउंड टू बी 1/4 दैट ऑफ द रेशियो इन द बोन ऑफ लिविंग एनिमल। कि ये जो कार्बन 14 और कार्बन 12 अगर इनकी हम रेशियो लेते हैं जो फॉसल बोन में होते हैं, तो देखा ये गया है कि ये जो लिविंग एनिमल्स में हमारे पास इनकी रेशियो है ये उसके मुकाबले में 1/4 होती है। तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 53 ईयर्स, तो कार्बन 14 की जो है हाफ लाइफ गिवन है हाफ लाइफ
इस फॉसल की अप्रोक्सीमेट एज कितनी होगी ये हमने बताना है। तो देखें हाफ लाइफ कार्बन की गिवन है कितनी है, 5730 ईयर्स। ओरिजिनल सैंपल कितना रह जाएगा, वो एन बाई एन नॉट रह जाएगा। ये देखें ये बता रहा है कि 1/4 टाइम ऑफ डिके जो है, मतलब जो फॉसल फ्यूल की एज है अप्रोक्सीमेटली, वो हमने टी बतानी है। तो हम जो है ये फार्मूला यूज कर लेते हैं कि एन बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 टी। ठीक है, तो 1/2 टी एन हमारे पास जो है अगर 1 है तो एन नॉट, एन बाई एन नॉट जो है वो हमें पता है कि वो क्या है, वो 1/4 है। ठीक है, ये जो बता रहा है कि जो हमारे पास जो इसकी जो हाफ लाइफ जो है वो इतनी है, और ये 1/4 जो है वो उसकी रह जाएगी रेशो। तो 1/4 आप यूज कर लें। यहाँ से आप सिंपल इसे 2/2 लिख सकते हैं, 4 को जब बेस सेम होती है तो हम पता है एक्सपोनेंट वो भी सेम होते हैं, तो यहाँ टी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया टी जो है वो 2 है। अब आप डीके इक्वेशन जो है वो यूज कर लें कि टाइम ऑफ डीके जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ होता है, और यहाँ से टी हमने जो है नंबर हाफ लाइफ जो है वो 2 है, और ये जो हाफ लाइफ है वो गिवन है 57 ईयर्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस फॉसिल फ्यूल की जो एज है वो 11460 ईयर्स जो है वो है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन करंट फ्लो इन अ सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपकी 2021 के सिलेबस में नहीं था इंक्लूड। तो इस तरह ये हमारे पास सेक्शन बी जो है कंप्लीट हुआ 2018 फिजिक्स क्लास 10th फेडरल बोर्ड का। इस तरह यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।